राकेश तकेट के समर्थन में जिद चंडीगढ़ के रूट को किसानों ने किया जाम। ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर सरकार हुई सख्त। किसान नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने के बाद अब देशद्रोही और UAPA के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल करेगी इसकी जांच। भारतीय किसान यूनियन एकता और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने आंदोलन खत्म करने का ऐलान किया है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के बाद लिया ऐसा फैसला। जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण पर मिलकर काम करेंगे फ्रांस और भारत। गाजीपुर प्रशासन ने किसान नेताओं को आधी रात तक धरना खत्म करने का आदेश दिया था, लेकिन देर रात तक गाजीपुर बॉर्डर पर किसान की तादाद बढ़ती गई और पुलिस फोर्स को भी बेरंग वापस लौटना पड़ा था। टीकाकरण से भारत ने बनाया नया रिकॉर्ड। दुनिया में सबसे तेजी से 10 लाख लोगों को लगा कोरोना का वैक्सीन। अब तक करीब 25 लाख लोगों से अधिक लोगों को लगा है पिछले 13 दिनों में कोरोना का टीका। दिल्ली में ठंड ने तोड़ा रिकॉर्ड, तापमान गिरा और शीतलहर भी रिकॉर्ड तोड़ने की राह पर है। गणतंत्र दिवस की परेड के बाद बीटिंग रिट्रीट समारोह की आयोजन आज शाम को किया जाएगा। इसके दौरान स्वर्णिम विजय की थीम से कार्यक्रम की शुरुआत की जाएगी। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 5000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम में नहीं शामिल हो पाएंगे। टाटा ट्रस्ट की ओर से तैयार किया गया इंडियन जस्टिस रिपोर्ट 2020 के मुताबिक न्याय देने के मामले में महाराष्ट्र सभी राज्यों में अव्वल रहा है। इसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, पंजाब, फिर केरल का नंबर आता है। मेड इन इंडिया महिंद्रा XUV का नजारा बदला। अफ्रीका में बनी ग्लोबल NCAP की पहली 5-स्टार सुरक्षा रेटिंग वाली कार बनी। इस कार में ड्राइवर और यात्री के सिर, गर्दन और छाती को अच्छी सुरक्षा का प्रदान किया गया है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।